नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। संसद के बजट सत्र का चौथा दिन है। देश के बजट पास होने के बाद संसद के बजट सत्र में हंगामा जारी है। आज यानी शुक्रवार को भी अडानी मामले और चीन के मुद्दे पर संसद में हंगामा जारी है। इससे पहले संसद के दोनों सदनों में कल गुरुवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, मगर संसद की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी दलों के सांसदों ने दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद दिन में कई बार कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। बजट सत्र के चौथे दिन यानी आज भी कई अहम प्रस्ताव पेश होने हैं, मगर अडानी हिंडनबर्ग मामले पर विपक्ष के तेवर को देखते हुए आज भी हंगामा जारी है। बता दें कि कल दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने पर भी विपक्षी सांसद सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसके बाद संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई आज यानी 3 फरवरी को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत टीबी रोग से ग्रस्त 5 मरीजों को गोद लिया और उन्हें टीबी किट प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के संकल्प के तहत हरियाणा को टीबी मुक्त बनाने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। इन सार्थक प्रयासों से हरियाणा टीबी मुक्त लक्ष्य को वर्ष 2025 तक ही पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि हरियाणा प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को 2025 तक प्राप्त करने की प्रतिबद्धता में सक्षम होगा। हम सब मिलकर हरियाणा प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए कार्य करेंगे। दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी के लिए साल 2023 काफी मुश्किलों भरा साबित हो रहा है। एक समय ऐसा था जब कयास लगाए जा रहे थे कि गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की सूची में सबसे पहले स्थान पर पहुंच सकते हैं। वहीं ताजा आंकड़ों के अनुसार गौतम अडानी अब दुनिया के 20 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यह सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा और गौतम अडानी की नेटवर्क में करीब 11 अरब डॉलर की गिरावट को देखने को नजर आई। इस गिरावट के बाद गौतम अडानी दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में टॉप 20 से बाहर हो गए हैं। उनकी नेटवर्थ 62 अरब डॉलर भी नहीं रही है। वहीं अब गौतम अडानी चीन के अरबपति जोंग शानसान से पिछड़ गए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार के लिए पहले चुनावी परीक्षण में विपक्षी गठबंधन महाविकास अगाड़ी विधान परिषद की 5 सीटों में से 3 जीतने में सफल रहा। नासिक डिवीजन स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमवीए की शुभांगी पाटिल के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार सत्यजीत तांबे को विजेता घोषित किया गया है। पूर्व कांग्रेसी तांबे ने निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसके लिए उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। जीत के बाद तांबे ने कहा कि वह जल्द ही अपने अगले राजनीतिक कदम की घोषणा करेंगे। वहीं बीजेपी ने कहा कि वह परिणामों पर आत्मनिरीक्षण करेगी, जबकि उत्साहित कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को दूसरों के घरों को विभाजित करने की कोशिश के प्रभावों और इस तथ्य का एहसास होना चाहिए कि महाराष्ट्र के लोग सरकार के खिलाफ हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस की अबू धाबी कालीकट फ्लाइट की उस वक्त इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी जब उसके लेफ्ट इंजन में आग की लपटें उठने लगी। फ्लाइट की अबू धाबी एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। प्लेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए गए हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इस संबंध में बयान जारी कर कहा कि अबू धाबी से कालीकट जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 1 के इंजन में आग लगने के बाद वापस प्लेन की अबू धाबी हवाई अड्डे पर सेफ इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और सभी यात्री सुरक्षित हैं। आम आदमी को महंगाई का और बड़ा झटका लगा है। अमूल ने दूध की कीमतों में बड़ा इजाफा किया है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड ने जानकारी दी कि अमूल ने हर तरह की पाउच वाले दूध की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दूध की नई कीमतें आज यानी 3 फरवरी से लागू हो गई हैं। इससे पहले जब मदर डेयरी ने दिसंबर में दूध की कीमतों में इजाफा किया था, तब अमूल ने कहा था कि उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है। इसी के साथ अब अमूल ताजा 1 लीटर पैकेट की कीमत 54 रुपए हो गई है। वहीं अमूल दूध के दाम बढ़ने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा के अच्छे दिन वाले नारे के जिक्र कर चुटकी ली है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि अमूल दूध 3 रुपए तक महंगा हो गया, पिछले एक साल में 8 रुपए दाम बढ़े हैं। फरवरी 2022 में अमूल गोल्ड की कीमत 58 रुपए प्रति लीटर थी, फरवरी 2023 में अमूल गोल्ड 66 रुपए प्रति लीटर हो गया है और आ गए हैं अच्छे दिन। पंजाब में ड्रग्स के मुद्दों को लेकर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और भगवंत मान सरकार आमने सामने आ गए हैं। राज्यपाल द्वारा आप सरकार को कटघरे में खड़े करने के बाद कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने उन पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि राज्यपाल राजनीतिक भाषण दे रहे हैं और समानांतर सरकार चला रहे हैं।
दरअसल राज्यपाल ने कहा था कि पंजाब के हालात ऐसे हैं, यहाँ पर स्कूलों से लेकर जनरल स्टोर तक में ड्रग्स बिक रही है। गौरतलब है कि पंजाब में ड्रग्स एक बड़ी समस्या है, पंजाब सरकार के लिए इस पर कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि पंजाब में ड्रग्स का जहर कैसे फैला। राज्य सरकारों ने यदि इस मसले पर शुरुआती दौर में ही गंभीरता दिखाई होती तो शायद पंजाब को यह दौर ना देखना पड़ता। पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत में प्रवेश कर रहे पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध प्रतिबंधित सामग्री वाला पैकेट भी बरामद किया गया है और पाकिस्तान से आ रहे ड्रोन को राज्य के अमृतसर सेक्टर में सीमा चौकी रियर कक्कड़ के पास देर रात करीब 2:30 बजे मार गिराया गया, जिसे आज शुक्रवार सुबह सुबह बॉर्डर फेंस और जीरो लाइन के बीच बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि इसके साथ संदिग्ध प्रतिबंधित सामग्री का एक पैकेट भी बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश को निवेश का वैश्विक हब बनाने की महत्वाकांक्षा के साथ आगामी 10 से 12 फरवरी तक आयोजित होने जा रही यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में लखनऊ के वृंदावन क्षेत्र को देश विदेश के उद्योगपति मेहमानों के लिए सजाया सवारा जा रहा है। प्रदेश को नए भारत का ग्रोथ इंजन बनाने के सपने को धरातल पर उतारने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। बता दें कि राज्य को निवेश का केंद्र बनाने के लिए आयोजित होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उद्योगपतियों के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए लखनऊ के वृंदावन क्षेत्र को देश विदेश के उद्योगपति मेहमानों के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम स्थल को 7 ब्लॉक में बांटा गया है। पहले ब्लॉक में उद्घाटन समारोह होगा। इस ब्लॉक में 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद देश और विदेश के उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे। डेराबस्सी बरवाला रोड पर स्थित हंसा पार्क में फेडले मेडिपैक नाम की कंपनी के अंदर रखे शाही के ड्रम में विस्फोट हो गया। इससे कंपनी में मौजूद 5 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए। इनमें से 4 कर्मचारियों को इलाज के लिए डेराबस्सी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि एक कर्मचारी की हालत गंभीर होने पर चंडीगढ़ सेक्टर 32 में अस्पताल में रेफर किया गया है। पुलिस ने घटनास्थल का दौरा कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना सुबह करीब 8 बजे की है, जब डेराबस्सी बरवाला रोड पर स्थित हंसा पार्क के प्लाट नंबर 3 में बनी 2 मंजिला फैक्ट्री में सुबह जब कंपनी के कर्मचारी आग जलाकर हाथ ताप रहे थे, आग की लपटों की चपेट में आने से पास रखे प्रिंटिंग प्रेस की शाही के ड्रम में विस्फोट हो गया और आग फैल गई। आग ने कंपनी के 5 कर्मचारियों को चपेट में ले लिया। चीन ने दावा किया है कि उसके वैज्ञानिकों ने सुपर काओ की सफलतापूर्वक क्लोनिंग करके 3 बछड़ों को जन्म देने में सफलता प्राप्त की है। सुपर काओ सामान्य गायों की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन कर सकती है। चीनी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सुपर गायों की बदौलत चीन दूध उत्पादन में दुनिया का अग्रणी देश बन सकेगा। वहां की सरकारी मीडिया में दावा किया गया है कि अगर सुपर गायों की सफल क्लोनिंग के बाद चीन के डेयरी उद्योग को उन्नत नस्लों की गायों को विदेशों से आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तीनों बछड़े होल्स्टीन फ्रेशियन नस्ल की गायों से क्लोन किए गए हैं, जो नीदरलैंड में पाई जाने वाली नस्ल है। इस नस्ल वाली गायें अत्यधिक दूध उत्पादक मानी जाती हैं। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।